हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूँ हमारी एग्जिस्टिंग वंदे भारत एक्सप्रेस और आने वाली वंदे साधारण एक्सप्रेस, इन दोनों ही ट्रेनों के बीच में आपको क्या मेजर एंड माइनर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में टेक्निकल डिफरेंसेज के बारे में भी बात करने वाले हैं इन दोनों ही ट्रेनों के बीच में, एंड साथ ही साथ मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि कैसे ये वंदे साधारण एक्सप्रेस एक बेहतर ऑप्शन बनने जा रही है आने वाले समय में हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेन्स के कंपैरेटिवली। सो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टेक्निकल चीज़ों के ऊपर अगर बात करें तो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो एक कम्प्लीट सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट है, जिसके कि हर एक कोच के नीचे आपको ट्रैक्शन मोटर देखने को मिल जाएगी। लेकिन हमारी वंदे साधारण एक्सप्रेस में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वंदे साधारण में आपको देखने को मिलेंगे दो WAP-5 लोकोमोटिव्स जो कि ट्रेन के रेयर और एंड पे लगे हुए होंगे। आगे वाला लोकोमोटिव जो कमांड देगा पीछे वाला लोकोमोटिव उसी को फॉलो करते हुए उस ट्रेन को पुश करने वाला है। यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस का दोस्तों हर एक क्लास AC क्लास के साथ आता है, एंड वंदे साधारण में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वंदे साधारण कंप्लीटली एक नॉन AC ट्रेन रहने वाली, और आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीजें पता भी होंगी। तो आप में से ज्यादातर लोगों को इस बात को लेकर के यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि जब वंदे भारत एक्सप्रेस एंड वंदे साधारण इन दोनों ही ट्रेनों में कोई इक्वालिटी ही नहीं है, तो फिर इसे हम लोग वंदे साधारण के नाम से क्यों जान रहे हैं, क्यों हम लोग इसे वंदे साधारण एक्सप्रेस के नाम से बुला रहे हैं। तो दोस्तों इसका ऑफिशियल नेम अभी डिसाइड नहीं करा गया है। वैसे तो हम लोग कह सकते हैं कि अब तक जो इस ट्रेन का ऑफिशियल नेम है वो है पुष्पुल एक्सप्रेस, पर इन फ्यूचर आपको आने वाले समय में इसके नाम में भी कुछ थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो अब तक हम लोग इसे पुष्पुल ट्रेन के नाम से ही जानते हैं। अब बात करें थोड़े से और टेक्निकल चेंजेस के बारे में दोस्तों इस ट्रेन से रिलेटेड, तो आपको हर एक बर्थ पे जो है चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा स्लीपर एंड जनरल दोनों ही क्लासेज में। एंड दोस्तों एक मेजर डिफरेंस की यहाँ पर हम लोग बात करें तो कपलर में एक बड़ा डिफरेंस हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग ट्रेन्स हैं जो LHB-5 ट्रेन्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है एक CVC कपलिंग, सेंटर बफर कपलिंग, एंड हमारी इस वंदे साधारण एक्सप्रेस में यूज़ करा जा रहा है सेमी परमानेंट कपलर, जिसकी आसानी से शफलिंग एंड रिशफलिंग यहाँ पर नहीं करी जाएगी। ये ट्रेन जो है पूरी तरीके से आपको एक ही लिवरी के अंदर देखने को मिलेगी। आप लोग करेंटली देखते होंगे हमारी भारतीय रेलवे के अंदर कि किसी ट्रेन के कोई रेक्स दुरंतो के हैं, हम सफर के हैं, एंड कोई रेक्स नॉर्मल राजधानी एक्सप्रेस वाले हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी कपलर के साथ। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ की और बात करें, करेंटली हमारी जो LHB ट्रेन्स हैं उनमें आपको देखने को मिलता है रबर ट्यूब्स जो कि बीच वाले पोर्शन पे होता है ट्रेन के, जिसके कि बहुत ही बड़े डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नो वाटर टाइटनेस, यानी कि बारिश अगर हो रही हो तो पानी जो है वो सीधा जो एक कोच से दूसरे कोच में जा रहा हो जो पर्सन उसके ऊपर गिरेगा, एंड काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स होगी। एंड यहाँ पर एयर का भी कोई टाइटनेस नहीं है, वाटर का भी कोई टाइटनेस नहीं है, एंड डस्ट भी इजीली आ जाती है इस कोच में। इसी के साथ ये कोच साउंड प्रूफ भी नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रैक्स के जो साउंड है वो सुनने को मिलता है, एंड ओवरऑल ये चीज़ें पैसेंजर के जर्नी एक्सपीरियंस को ख़राब करते हैं। एंड दोस्तों सेफ्टी वाइज भी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती हैं। कई ट्रेनों में आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो पोर्शन है वो बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर वो आंखों से आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रैक्स एंड व्हील्स जो है वो आपको क्लियरली देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पर ये डिसएडवांटेज हो जाते हैं रबर टाइप ट्यूब्स के, जो कि गैंगवेज को पार करते वक्त सेफ्टी के रीजन से बहुत ही ज्यादा डेंजर साबित होते हैं। अगर दोस्तों हम लोग कंपेयर करें इसे वंदे साधारण के गैंगवेज के साथ, तो यहाँ पर आपको सील्ड गैंगवेज देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको वाटर टाइटनेस, एयर टाइटनेस एंड साउंड प्रूफ होंगे, प्रेशर टाइटनेस होगी, किसी भी तरीके के वाइब्रेशन या फिर अननेसेसरी आपको आवाज सुनने को नहीं मिलेगी, जैसा कि आपको हमारी मेट्रो ट्रेन या फिर हमारी एग्जिस्टिंग वंदे भारत एक्सप्रेस में देखने को मिलता है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी कोच को पार करते वक्त, गैंगवेज को पार करते वक्त। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं आप सभी से इस वंदे साधारण को लेकर के एक छोटे से अपडेट के ऊपर अगर बात करूं, तो 8 नवंबर के दिन मुंबई और अहमदाबाद के रूट के ऊपर इस वंदे साधारण एक्सप्रेस के ट्रायल रन लिए गए थे। अब इसके पीछे का रीजन दोस्तों हम में से किसी को नहीं पता कि क्यों ट्रायल रन्स लिए जा रहे हैं मुंबई अहमदाबाद के रूट के ऊपर, जबकि इतनी ज्यादा एग्जिस्टिंग ट्रेन्स अभी है इस रूट के ऊपर। आने वाले समय में इसके ऊपर भी मैं एक अपडेट वीडियो में आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा, बस उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही।